विज्ञान कोई हमारी मूल्य आधारित आध्यात्मिकता की मानसिकता पर आधारित प्रक्रिया का विरोधी है, ऐसा मानने का कारण नहीं। ये बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि विज्ञान की जानकारी अभी मर्यादित है, विकसित हो रही, लेकिन वो भी एक तरीका है सत्य को जानने का। और इसमें इन दोनों पक्षों का विचार करते हुए हम लोगों को आज की समस्याओं के विषय में कुछ समाधान ढूंढने होंगे, और वो काम आप करने जा रहे हैं। ये अत्यंत अभिनंदनीय बात इसलिए है कि हम कुंभ में तो आते हैं, कुंभ में आते हैं उसमें सहभागी होते हैं, तो एक बात पर सबका एक मत है, कोई भी आए उसको भक्ति का अपार अनुभव मिलता है। भक्ति की अनुभूति होती है पूर्णता या अश्रद्धा, विचार पूर्वक मन में जिसने अश्रद्धा को बढ़ाया है ऐसा व्यक्ति भी यहाँ आएगा तो एक क्षण इस भक्ति के प्रभाव में भय विनय नहीं रहेगा। इतनी प्रचंड भक्ति है इस देश की जो यहाँ प्रदर्शित होती है उसका दर्शन। परंतु जीवन चलाना है तो कैसे चलाना है, रोजमर्रा 24 घंटा पूरे जीवन भर जीना है तो कैसे जीना, केवल अध्यात्म या केवल भौतिक तत्वों का भी नहीं है। उपनिषदों का आयत है अविद्या मृत्युं तीर्त्वा विद्या मृतं अश्नोति। और वैसे भी अपने यहाँ माना जाता है कि ज्ञान कर्म और भक्ति तीनों की त्रिवेणी मिलकर आदमी को यहलोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। किनो चाहिए, भक्ति को ज्ञान के छन्नी से छलना पड़ता है, ज्ञान को भक्ति के छन्नी से छलना पड़ता है, और इससे मन में उदित हुए ज्ञान को प्रत्यक्ष कर्मों में आचरण करने से तपस बनता है। एक महात्मा जी मिले थे मुझे वृंदावन, उन्होंने कहा कि धर्म के चार पैर, ये धर्म रिलीजन नहीं है, ये धर्म वह है जो सृष्टि की धारणा करता है, सारी सृष्टि को धारण करता है, गिरने नहीं देता, जो सबको एकत्र रखता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता, और सबको साथ चलाकर जो सबको उन्नत करता है वो धर्म, उसके चार पैर। एक बात है सत्य, सत्य है लेकिन सत्य बहुत कठोर होता है। विज्ञान जैसा है, वैज्ञानिक निष्कर्ष प्रत्यक्ष आचरण में लाना इसलिए कठिन है कि बहुत सारे निष्कर्ष मानवीय संबंधों को छिन्न भिन्न नहीं करते। वैसे और मेरे और मेरे बड़े भाई का रिश्ता क्या है, कुछ है ही नहीं, वो एक अलग शरीर है, मैं एक अलग शरीर, लेकिन प्रत्यक्ष में ऐसा होता नहीं। ये रिश्ता नाम के बीच में कोई चीज है जो विज्ञान देख नहीं सकता, लेकिन हम दोनों का अनुभव होता है। वो भूखा है तो मुझे खाना खाना अच्छा नहीं लगता, वो बीमार है तो मैं रात भर जाकर उसकी सेवा करूँ, ये भाईचारा क्या है विज्ञान नहीं समझ। सत्य को करुणा का साथ चाहिए, करुणा दूसरा पैर है। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, यदि प्राणी का उपकार तो वास्तव, इसलिए सत्य करुणा। तीसरी है स्वच्छता शुचिता, शरीर मन बुद्धि स्वच्छता विषय को लेकर आप विचार करने वाले। और चौथा है तपस, तपस कर्म के द्वारा होता है प्रत्यक्ष, लोक हितकारी तपस कर्म के द्वारा। शारीर मानस वाचिक तीनों प्रकार का तप करना पड़ता है, लोक संग्रह करने वाले, समाज की चिंता करने वाले, सृष्टि की चिंता करने वाले, अपने जीवन की चिंता करने वालों को भी उनकी चिंता करनी पड़ती है। और इसलिए इस प्रकार धर्म के चारों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को अध्यात्म विज्ञान दोनों का सहारा लेकर उन सत्य सनातन आध्यात्मिक मूल्यों के आधार पर देश काल परिस्थिति सुसंगत तरीके क्या होंगे इसका चिंतन करना है। लेकिन केवल चिंतन से काम नहीं होगा, चिंतन का आचरण होना पड़ेगा, और आचरण के दो प्रकार हैं, एक तो सामूहिक प्रकार है नीतिगत, एक नीति बनानी
उस नीति के अनुसार सारे व्यापार चले, तो अपने आप उस रचना में बैठने वाले के कर्म उस प्रकार के हो जाए, नियम पालन कर चलने वाला। तो नीतियां उस प्रकार की चाहिए। अभी चिंतन तो इस और आ रहा है दुनिया का, लेकिन दुनिया का तंत्र अभी ऐसा पूरा बदला नहीं। लोग बदलना चाह रहे हैं, लेकिन अब तक प्रचलित तंत्र में जिनके हित संबंध जुड़े थे उनका विरोध क्यों? इसलिए पर्यावरण ध्वस्त हो ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आती है तो पर्यावरण को खतरा तो पैदा होने लगता है। विकास होना नहीं चाहिए ऐसा कोई नहीं कहता, लेकिन विकास के लिए ऐसा कुछ होने लगता है तो पर्यावरणवादी आंदोलन करते हैं। इस समस्या से अभी विश्व को उत्तर नहीं मिला। उत्तर तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों को देखकर मध्यम मार्ग निकालकर हम चलेंगे। तथागत ने धर्म को मध्यम मार्ग ही कहा, लेकिन उस मध्यम मार्ग का आचरण करना पड़ेगा। नीति ऐसी बननी पड़ेगी जो मध्यम मार्ग निकाले। सनातन सत्य मूल्यों का ध्वंस हो